हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये मेरी वीडियो है कल शाम की, जो रह गई थी मैं ऐड नहीं कर पाई इसको, और बाद में मेरे याद आया तो मैंने सोचा चलिए आज कर लेते हैं इसको भी ऐड अपनी वीडियो में। और सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया था, तेल भी गर्म हो चुका है खूब अच्छे से। और इसमें फिर हमने करेले ऐड कर दिए मम्मी ने, और करेले अच्छे से भूनने हैं इसमें। जब तेल में भून के बनाते हैं तो करेले कड़वे नहीं लगते उतने, और खाने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अभी धनिया भी मैं अभी पीस के लेके आई हूँ, धूप तो निकल नहीं रही। मैं सोची थी कि पता नहीं पीसेंगे भी कि नहीं मिक्सी में, धनिया ऐसा ही हो रहा था सिल्ला सिल्ला सा। पर फिर जब मैं इसको पन्नी में से निकाल के ले गई थी तो इसको पीसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पन्नी में उतनी सिल्लन नहीं आती जितनी खुले हुए में आती है। इसमें मैंने सौंफ भी डाल ली थी थोड़ी सी, सौंफ धनिया एक जगह मिक्स करके पीस लिया था। करेले में दोनों ही चीज़ डालते हैं तभी अच्छी लगती हैं। करेले तो फ्राई कर लिए थे और अभी उसका जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल लिया था, उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, थोड़ा सा सौंफ धनिया हल्दी मिर्च ये सब डाल के। इसमें पहले हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया, जब प्याज अच्छे से हो गई मसाले अच्छे से मिक्स हो गए फिर बाद में इसमें करेले भी ऐड कर दिए। और अभी इनको अच्छे से चलाना है, मिक्स करना है, उसके बाद इनको सिम आँच पे रख देंगे ढक के। वैसे तो जल्दी हो जाएंगे क्योंकि पहले हमने इनको फ्राई कर लिया है, इस वजह से इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में, थोड़ा ही टाइम लगेगा। अभी इनको सिम आँच पे रख देंगे ढक के, पानी तो डालते नहीं करेले में क्योंकि ये ऑयल ऑयल में ही बनते हैं। करेले तो बन ही जाएंगे, अभी गोपाल जी के लिए भी कुछ बनाना है क्योंकि करेलों में तो प्याज है और वैसे भी गोपाल जी को प्याज का भोग नहीं लगाते। तो अभी इधर मैं दूध लेके आई थी, दूध भी उबल चुका है। गोपाल जी के लिए मैं बनाऊँगी जवें, तो जवे मैंने बना दिए थे, उसका वीडियो नहीं बना पाई। जवे थोड़े ही बनाए हैं बस गोपाल जी के लिए ही, तो उनके लिए ठंडे कर रहे हैं, उन्हें भोग लग जाएगा तो फिर सब खा लेंगे। अभी तो सब करेले से और दूध से ही खाएंगे रोटी। अभी ये वीडियो मेरी अगले दिन की शुरू हो चुकी है, अभी मॉर्निंग का मैंने सारा काम फिनिश कर लिया था, दोपहर का खाना बनाना है उसी की तैयारी चल रही है। राजमा मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था और अभी इसको धो लिया है अच्छे से, आलू भी मैंने छील के धो लिए हैं। अभी इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको रख दूँगी मैं बॉईल होने के लिए, तब तक अपना और काम कर लूँगी। अभी मैंने रई जो लगा रखी थी वो मक्खन भी निकालना है, मक्खन भी नहीं निकाला अभी तक, तो ये काम निपटाने के बाद ही मक्खन निकालूँगी और मट्ठा रिता के रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद फिर देखती हूँ, चावल तो नहीं बनाऊँगी, दो दिन से हम खिचड़ी खा रहे हैं। आप लोग बोल भी रहे थे कि कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे तारी किसे कहते हैं, तो हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं तारी को, जो पुलाव भी बोलते हैं शायद, पर अभी तो हमने कल जो बनाई थी आलू टमाटर डाल के ही बनाई थी। तो अभी मैं छोंक लगा लेती हूँ राजमा को, गोपाल जी को भी भोग लगाना है तो इसी वजह से मैं जीरे में ही छोंक लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया था, जब ऑयल हो गया उसके बाद मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया, सारे सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने धनिया सौंफ मिर्च और नमक ये सब ऐड कर लिया, और अभी छोंक भी हो गया था, जल्दी हो जाता है जीरे का छोंक तो मसाले भी जल्दी हो जाते हैं। तो अभी मैंने जो टमाटर पीस के रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दिया। टमाटर पकने के बाद फिर मैं सबसे पहले इसमें आलू फ्राई करूँगी, अभी आलू मैंने मैश भी नहीं किए, गर्म हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। जीरे में काफ़ी सारे मसाले ऐड करने पड़ते हैं तब जाके अच्छी लगती है सब्ज़ी। और आप लोग बोल रहे हो कि किचन किंग मसाला मत डालिए, इसमें प्याज आती है, तो मैंने आज उसको नहीं डाला, अब मैं नहीं डालूँगी। जब आप लोग बोल रहे हो कि दीदी इसको मत डालना, तो अभी नहीं डालूंगी। और अभी मैं जो ये आलू है इनको निकाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, अभी इनको मुझे चमचे से ही मैश करना पड़ेगा। राजमा मैंने थोड़ा ही बनाया है, कुछ कड़ी रखी हुई है उसमें छोंक लगा लेंगे, कुछ कड़ी काम आ जाएगी, कुछ राजमा। वैसे भी ये राजमा सभी को बहुत रहेगा, ज़्यादा कम भी नहीं है। यहाँ पर सब्ज़ी तो थोड़ी खाते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है वीडियो में, सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, तो इसमें से बच भी जाएगी, सच बताऊँ तो बच भी जाएगी इसमें से सब्ज़ी, क्योंकि कम ही खाते हैं सभी। सब्जी को छोंकने के बाद फिर आटा बनाना है, रोटी बनानी है, उसके बाद फिर अपनी वीडियो के काम में लगना है। वीडियो मैं लेट ही डालती हूँ अभी, तो इसी टाइम में खाना बनाने के बाद ही अपनी वीडियो को रेडी करती हूँ, इससे पहले तो टाइम ही नहीं लगता। टमाटर भी अच्छे से हो गए थे, अभी मैंने इसमें आलू मिक्स कर दिए हैं। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें राजमा फ्राई करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, और कुकर बंद करके इसमें दो तीन सीटी लगवानी है। बहुत ही अच्छे से उबल चुका है, कच्चा नहीं है, बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गया था, तो दो तीन सीटी में ही बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा बनने में। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेरी वीडियो में कहाँ कमी रह जाती है, कभी तो व्यूज मेरे बढ़ने लगते हैं और फिर अचानक से घट जाते हैं,
तो प्लीज़ मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके कि मेरी वीडियो में कहाँ कमी रह जाती है। मैं तो खूब ही कोशिश करती हूँ, खूब मेहनत से ही वीडियो बनाती हूँ, इसको एडिट करती हूँ, पता नहीं कहाँ कमी होती है मेरी वीडियो में जो इतनी नहीं चल पाती जितनी कि मैं मतलब कि जितनी कि मैं कामना करती हूँ उतनी नहीं चल पाती, और इस वजह से बस मुझे टेंशन ही रहती है। टेंशन तो जीवन में चलती ही रहती है कहीं ना कहीं, कि इसकी तो बात ही क्या करना। अभी बस हमने गोपाल जी को भोग लगाने के लिए खाना तैयार कर लिया था, गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं, राजमा दही रोटी और सबसे ज़रूरी तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं, तुलसी जी के पत्ते के बगैर तो इनका भोग अधूरा होता है। आप लोग हिम्मत भी बहुत बढ़ा रहे हो, गोपाल जी घर में आ गए हैं, अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, वीडियो भी अच्छी चलेगी, पर पता नहीं वो दिन तो कब आएगा। इसी इंतज़ार में हूँ डेढ़ साल से लगी हुई हूँ इसी इंतज़ार में हूँ कि कब मिलेगी मंजिल। दौड़ते दौड़ते 1.5 साल हो गया, पीछे ही भाग रही हूँ अभी तो देखती हूँ आप सब के सपोर्ट की और साथ की वजह से एक ना एक दिन तो मुझे भी मिल ही जाएगी मंजिल। आज मुझे थोड़ी सी खुशी भी मिली है, 8,000 सब्सक्राइब पूरे हो ही चुके आखिरकार, बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि कब होंगे 8,000 सब्सक्राइब, आज हो ही गए आप सबके सपोर्ट की साथ की वजह से, थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने मेरे 8,000 सब्सक्राइब पूरे करवा दिए हैं। आगे तो पता नहीं अब 9,000 कब तक हो पाएंगे वो तो मैं नहीं जानती, पर 8,000 तो हो ही गए लटक लटक के। और अभी यहाँ पे बंदर आ गया था, उसी को भगा के आई हूँ, पीछे छज्जे की तरफ बैठा हुआ था, बारिश में वहीं पे बैठ जाते हैं और फिर उधर जाने में भी डर लगता है, बहुत बार ध्यान भी नहीं रहता, डर रहता कि कहीं काट ना ले। भगवान कैसे हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, गर्मी तो है नहीं अब, बिल्कुल ही आनंद आ रहा है मौसम का, और आज फिर से बारिश हो रही है, कपड़ों का भी कोई ठिकाना नहीं है। और एक मैडम मुझे बोल रही थी कि तुम्हें कुछ हिलना नहीं है बंदरों के सिवा, ये बंदर तुम्हें जहन्नुम तक लेके जाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझे जहन्नुम में जाना पड़ेगा और आपको मन को शांति मिलेगी उससे? तो देखिए अभी मैं कान्हा जी को इधर लेके आई थी सुबह से, आज उधर कमरे में बैठे हुए थे मंदिर में, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए इधर लेके आ जाते हैं, ऐसे अकेले बैठे थे सुबह से टाइम ही नहीं लगा इनके पास बैठने का, तो सोचा थोड़ी देर के लिए इधर लेके आ जाती हूँ, अकेले बैठे थे वहाँ पे। 2-3 दिन से खूब बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, ऐसे मौसम में मन लगता है मेरा रोज़ ऐसा ही रहना चाहिए, गर्मी तो होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और बच्चों को देखिए क्या मस्ती सूझ रही है, बोल रहे थे कि हम छुपम छुपाई खेलेंगे अपनी बुआ जी के साथ में, खूब आफत मचा रहे थे, पर ये कह रहे थे कि हम नहीं खेलते सारे में गिल्ला हो जाएगा, वैसे भी बारिश पड़ रही थी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने दूध भी रख दिया है उबलने के लिए चूल्हे में आग जला के, चूल्हे में तो काफ़ी अच्छी आग जलती है, अंगीठी में उतनी तेज़ नहीं जलती, अभी किचन में भी थोड़ा सा काम कर ले तो कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों से और वीडियो का भी एंड कर लेते हैं। और आज मैं काफ़ी खुश भी हूँ और दुखी भी, दुखी इसलिए क्योंकि आज तो हादसा बड़ा ही हो गया मेरे साथ, आँख मेरी फूटने से ही बची है, फूट ही जाती है आज तो, और आँख देखिए ये वाली मेरी कैसी लग रही है अजीब सी, अभी दवाई डालूंगी तो आराम लग जाएगा सुबह तक। पहले कान्हा जी को सुला देते हैं उसके बाद आप लोगों से बातें करेंगे। सबसे पहले थैंक यू मेरी प्यारी सी फैमिली को, 8,000 सब्सक्राइब मेरे पूरे हो चुके हैं, सबसे पहले आप सबको थैंक यू मेरी प्यारी सी फैमिली को, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, आपकी वजह से मेरी 8,000 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं, थैंक यू सो मच, आज मैं खुश हूँ 8,000 सब्सक्राइब मेरे पूरे हो गए हैं, तो वो सब आप लोगों की वजह से हुआ है, आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, लोगों ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई है यहाँ तक आने में, आगे भी बढ़ाते रहिएगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आप भूल जाते हो, प्लीज़ चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी करें और साथ में दी गई बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलती रहे मेरी हर आने वाली वीडियो की। तो अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, आज ना वीडियो है तो फ्रेंड्स अभी वीडियो का एंड कर लेती हूँ, काफ़ी दिनों बाद आज इस टाइम बातें कर रही हूँ मैं आपसे, या तो दिन में ही कर लेती हूँ या फिर अगले दिन मॉर्निंग में हो पाती है आप लोगों से बातें, बच्चे लगे हैं LCD को चलाने में, अभी उसका हमें पता नहीं चल रहा कैसे चलेगी, और उसी में लगे हैं बच्चे भी, अभी कान्हा जी को भी सुलाना है, यहीं पे बैठे हुए हैं कान्हा जी भी, मैंने दूध भी पिला दिया है, देखिए बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे थे वो भी यहीं पे रखा हुआ है, टाइम अभी 9:30 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, वीडियो का एंड भी हो जाएगा, आज वैसे भी आप लोगों से अच्छे से बातें नहीं हो पाए,
कुछ नाम भी लेने हैं, वो मुझे पहले देखना पड़ेगा कमेंट में, तो अभी तो मेरे याद नहीं है। और आज मेरे साथ एक हादसा भी हो गया किचन में, और अभी भी दिख रहा है मेरी इस आँख में। जब मैं सब्जी में छौंक लगा रही थी, तेल गिर गया गरम गरम यहाँ आँख में भी और यहाँ नाक के पास। मैंने तुरंत ही ठंडे पानी से धो लिया था, पर अभी आँख में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और आँख भी ऐसी लग रही है, एक बड़ी एक छोटी ऐसी हो रही है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। दवाई डालनी पड़ेगी, दवाई रखी हुई है मेरे पास में, वही डाल के तभी लेटूंगी। और अभी दूध भी जमाना है, अक्की ने भी नहीं पिया अभी तो दूध भी जमाना है। अभी बहुत सारे काम रह रहे हैं, वही टाइम हो जाएगा 10:30 तो रोज़ ही बच जाते हैं। तो कुछ कमेंट है, उनके भी मुझे रिप्लाई करने हैं। और आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे हो कि आपकी जेठानी पूजा पाठ नहीं करती, तो मैंने नेगेटिव तौर पे नहीं लिया है, बस आप लोग के सवालों के जवाब दे रही हूँ। आप लोग पूछते रहते हैं कि आपकी जेठानी पूजा नहीं करती, आप ही करती हो। तो देखिए, मुझे तो पहले से ही आदत है, शादी से पहले से ही मुझे व्रत रखना और पूजा पाठ करना, इन सब में बहुत ज़्यादा वो था मेरा। और मैं बहुत ही मानती हूँ भगवान को, एक टाइम खाना खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन भक्ति नहीं। मुझे बहुत ही पसंद है पूजा पाठ करना। और एक तो कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं नेगेटिव तौर पे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने तो कान्हा जी का मजाक ही बना लिया। इसमें मजाक वाली क्या बात है भाई, मैं उन्हें ही कह रही हूँ जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि आपने कान्हा जी का मजाक ही बना लिया। तो आप तो सभी जानते हैं कान्हा जी की सेवा ऐसे ही की जाती है, और हम तो फिर भी पता नहीं हम इतने अच्छे से कर भी पा रहे हैं कि नहीं, वो तो कान्हा जी जानते हैं। पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इनकी अच्छे से सेवा करें, अच्छे से भक्ति करें। आप लोग मेरी फैमिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमने कोई मजाक बनाया है ऐसे, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कान्हा जी की अच्छे से सेवा करें, ये नहीं कि हमने मजाक ही बना दिया। और आप लोग भी जानते हैं कि कान्हा जी की भक्ति तो जो करता है वो इससे भी अच्छे उससे करता है। हमें तो फिर भी बहुत ही कम टाइम मिलता है, काम भी रहता है पूरा दिन, बीच बीच में आ जाते हैं हम गोपाल जी के पास भी, और अच्छा भी लगता है इनके पास बैठना। पर क्या करें, काम ही बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे तो बहुत ही कम टाइम मिलता है इनके पास बैठने का। और रही बात ये कि आप पूछते रहते हैं, वैसे आप भी सही है, जो आपको लगता है वो तो आप लोग पूछोगे ही। आप लोग पूछते हैं कि जेठानी पूजा नहीं करती, तो वो पहले से ही नहीं करती हैं पूजा, बस 2-3 व्रत करती हैं साल में, एक होई, करवा चौथ और जन्माष्टमी का, बस ये एक सब करती हैं, वो पूजा पाठ नहीं करती, पहले से ही ऐसी आदत है उनकी। और हमें ऐसी आदत है कि पूजा पाठ करे बगैर खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, वीडियो का भी एंड कर लेती हूँ। अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट भी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मैं तो सबके लिए यही दुआ करूँगी कि आप सब ठीक रहें, अपने जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो आपको मिले, आपका जीवन भी हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो चलिए, बाय बाय। अभी आप लोगों से बातें करने के बाद मैं आई थी किचन में, दूध घोल के दूंगी अभी अक्की को, और उसके बाद दूध में जामन लगाना है। इधर बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे LCD चला के देख रहे थे, तो बच्चे वहीं पे बैठे थे, भाई साहब देख रहे थे चला के, पर वो चल नहीं रही थी, शायद मिस्त्री ही चलाएगा इसको, तभी जाके अच्छे से सेट होगी। और पहले मैं अक्की को दूध दे देती हूँ, बाकी तो सबने पी लिया था, अक्की रह रहा था उसको भी दे देती हूँ। और मैं थोड़ा सा दूध ना उठा के रख देती हूँ, बहुत बार रात को ज़रूरत पड़ जाती है, पहले से ही मैं थोड़ा सा दूध उठा के रख देती हूँ फ्रिज में, जो कि रात को अगर ज़रूरत पड़े तो काम तो आ जाएगा। और अभी जो जिसमें जामन लगाना है उसको भी तैयार कर लेती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना सा ही होना चाहिए, नहीं तो फिर अभी ठंडा मौसम हो रहा है, जमने में फिर टाइम लेता है, तो इसी वजह से गुनगुने से दूध में ही जामन लगाती हूँ, इससे अच्छी हो जाती है दही। और थोड़ा सा दूध मैंने अपने लिए कर लिया था भगोने में, मैं तो थोड़ा ही पीती हूँ, ज़्यादा नहीं। और अभी बस वैसे मुझे चाय थोड़ा ही मिल जाए इस टाइम, मेरा मन करता ही है दूध पीने का, पहले से ही आदत है, दूध पिए बगैर नींद नहीं आती। और थोड़े से जो दूध के बर्तन हो जाएंगे अभी, वो भी धोने हैं, इनको सिंक में रख रही हूँ अभी, तो दूध में जामन लगाने के बाद तभी इनको धो के रख दूँगी। गर्मी में तो थोड़ा सा ही जामन लगाते हैं मट्ठे का, 2-3 बूंद, उससे ही जम जाता है दूध अच्छे से। तो अभी मैंने दूध भी जमा दिया था, और जो थोड़ा सा इसमें दूध लगा था बर्तनों में उनको मैंने गर्म पानी कर लिया, थोड़ा सा उनकी चिकनाई सी उतर जाएगी, उसको भी मैं उसी में डाल दूंगी।
अभी सारा एक काम फिनिश कर लिया था मैंने, फिर मैंने सोचा पहले आँख में दवाई डलवा लेती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी। और मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले तो याद रहता है और जब डालने का टाइम आता है फिर भूल जाती हूँ। और आज तो वैसे भी मेरे याद ही था क्योंकि आँख में ही दर्द हो रहा है। दवाई ऐसी डाला है, कभी तो बाहर डाल देता है, आँख से बाहर ही निकल जाती है, और कभी इतनी डाल देता है आँख में कि आँख को पूरी ही भर देता है। पता नहीं सब्जी में छोंकते टाइम कैसे तो छींटे लगे आँख में तेल के, गरम गरम, कैसे नहीं मुझे भी नहीं पता चला। और मैंने एकदम ही फिर पानी से धो लिया, नहीं तो पता नहीं आँख का क्या होता, आज अंधी भी हो सकती थी, छाले भी पड़ जाते मुँह पे, पर बच गई आज मैं बाल बाल। पर्दे से हटा दिए, बाहर से चांदना सा हो गया, रुक जा भी थोड़ी देर में दे रही, 5 मिनट बाद। आँख में दर्द हो रहा है इसमें तेज। हमारे कान्हा जी भी सो गए हैं और इधर जिया भी लेट रही है। हेलो बोलो, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट। और इधर अक्की अभी लेटा नहीं है मेरी आँख में, ये मेरी आँख में दवाई डाल रहा है। डाल दो, डाल दो, क्या हो गया?